प्रदेश की संभल सीट जो कि मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि के रूप में जानी जाती है। अभी भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वैसे तो संभल सीट मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, पर इस सीट को यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। पर इस बार यहां मुकाबला कुछ खास होने वाला है। जैसा कि इस सीट पर जो मौजूदा सांसद थे शफीकुर रहमान पर अभी हाल में कुछ महीने पहले उनका निधन हुआ है, जबकि 2024 के चुनाव में सपा ने फिर से उन्हें टिकट दिया था, जिसके बाद उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को सपा ने मैदान में उतारा है, जो कि अभी मुरादाबाद की कुंदर की सीट से विधायक हैं, जिसके बाद से सियासी समीकरण थोड़े बदलते जरूर दिख रहे हैं। अब पहले जान लेते हैं कि संभल सीट से इस बार किस सियासी दल से कौन मैदान में है। बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि बसपा ने पूर्व विधायक सौलत अली पर दाव लगाया है। सपा से जियाउर रहमान बर्क उम्मीदवार हैं, लेकिन इस पर यहां से किसके सिर ताज सजेगा वो तो भविष्य में छिपा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी जीतेगा वो पहली बार संसद पहुंचेगा। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी 2019 में चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन सपा और बसपा के प्रत्याशी पहली बार इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सपा ने शायद इसलिए भी जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क के निधन की हमदर्दी जियाउर रहमान बर्क को मिले और ज्यादा वोट मिल सके। पिछले चुनाव में इस सीट से सपा ने जीत हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी दूसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। संभल में 2019 में कुल वोटर्स की संख्या 17,82,261 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,66,591 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 8,15,556 थी, जिसमें 11,83,469 यानी कि 67.8% वोटर्स ने वोट डाले थे। संभल की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1979 के बाद से अब तक हुए 9 चुनाव में 4 बार सपा, 2-2 बार बसपा और जनता दल को जीत मिली है, तो एक बार 2014 के चुनाव में मोदी लहर में ये सीट बीजेपी के खाते में भी गई थी। उस समय बीजेपी के सत्यपाल सिंह सैनी सांसद चुने गए। संभल सीट से मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव भी चुनाव लड़कर संसद जा चुके हैं। त्रेता हो या फिर द्वापर या फिर सत्ययुग, हर काल में ये सीट यूपी के चुनावी संग्राम में हॉट रही है। लेकिन इस बार इस सीट को हथियाने में कौन कामयाब रहता है कौन नहीं, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम में ही तय होगा। अब देखना होगा कि क्या फिर 2014 की तरह चलेगा मोदी का जादू, या फिर सपा अपने गढ़ में फिर जीत का परचम लहराने में कामयाब रहेगी। बता दें कि संभल सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।